अंदर जाते ही आपका कुछ रिएक्शन ऐसा होगा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमे घूमे करने, तो चलो फटाफट से तैयार होते हैं और दिखाते हैं आपको कानपुर का एक फेमस प्लेस। लग रहा हूँ ना साउथ का हीरो भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी हम मालूम है तेरे बाप को। चल बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। अंदर आते ही जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखने लायक कुछ भी नहीं है, पर आगे ही कुछ हमारे सामने इंटरेस्टिंग चीज है, चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ दिखता है हाथी मेरा साथी, जो कि मोती झील में बच्चों को अपने तरफ बहुत ही एक्साइट करता है। इसके पेट से बच्चे घुसते हैं और मुंह से निकलते बाहर स्लाइड करते हुए। छोरे नाचो 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 वीर नाचो। ये जगह मोती झील के अंदर बहुत ही सुकून सी की जगह लगती है हमको। यहाँ पर आप आके आराम से बैठ सकते हो और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सहनी आगे हमको दिखते हैं ये झूले। यहाँ पर बच्चे झूला झूलकर मूत लगवाते हैं और बड़े झूला तोड़ते हैं, पर बड़ों के लिए यहाँ पर बना हुआ है शानदार सा लेक। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, प्यारी प्यारी बतख पानी पे दौड़ा सकते हैं। लेक के सामने ही दिखता है हमको ये जादुई सफर, जो कि बाहर से देखने पर टेंस लगता है, पर अंदर जाते ही आपका कुछ रिएक्शन ऐसा होगा। यहीं से होता है हमारे ब्लॉग का डी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।